अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ी खबर शेयर करूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है गाजा के साथ। उनका कहना था कि हम गाजा के साथ जंग करेंगे और जंग जीतने के बाद हम गाजा को जैसा चाहते हैं वैसा बनाएंगे, वैसा रीबिल्ड करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसराइल पहले ही चाहता था कि किसी ना किसी तरह ये गाजा पर भी कब्जा कर ले, और अब इसमें ये कामयाबी होता नजर आ रहा है। लेकिन जो हमास है उन्होंने भी कहा है कि अगर तुम लोगों की मिलिट्री दाखिल हुई गाजा में तो हम सबको कुचल कर रख देंगे, क्योंकि अब इनके साथ मुस्लिम कंट्रीज भी खड़ी हो गई है। जो प्राइम मिनिस्टर है तुर्की के और जो प्राइम मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने भी कहा है कि अगर किसी किस्म का कोई भी हमला हुआ या कोई भी एयर स्ट्राइक हुई तो हम वो जो फलस्तीन के मुसलमानों का और वो जो गाजा के मुसलमानों का भरपूर साथ देंगे, और तुम लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो इसराइल है अब ये कोई सोच समझ के ही फैसला लेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इनके अपने ही लोग हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं, इसराइल के शहरी, और वो फलस्तीन के झंडे को बुलंद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहते, हम वो जो बेचारे वो जो रह रहे थे वो गाजा में मासूम शहरी, उन पर जो एयर स्ट्राइक की गई, उन पर जो हमला किया गया और मासूम बच्चों जिनकी जाने गई हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे जैसा ये जो इसराइल की गवर्नमेंट कर रही है। हम तो पुरअमन पसंद लोग हैं और अमन को ही पसंद करते हैं, और हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहते थे। वो फलस्तीन के झंडों को अपने घरों पर लगा रहे हैं, फलस्तीन के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं, और वो इसराइल के झंडे को आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस वाले हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जितने भी वो जो शहरी इसराइल के वो निकल रहे हैं, फिर भी वो मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाजा के मुसलमानों के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है, क्या जो इसराइल है वो जंग करेगा वो गाजा के साथ या रुक जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मजीद आपके लिए ऐसी वो नई नई अपडेट्स लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।